1964 में फ्रैंक नामक एक उज्ज्वल युवा व्यक्ति ने न्यूयॉर्क विश्व मेले की यात्रा शुरू की, जो एक आविष्कारक प्रतियोगिता में भाग लेने की आकांक्षा से प्रेरित थी। शुरू में निक्स नाम के एक न्यायाधीश ने फ्रैंक की अभिनव जेट पैक अवधारणा में रुचि दिखाई, लेकिन फ्रैंक ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनके आविष्कार में महत्वपूर्ण खामियां थीं। निक्स के सहायक एथेना फ्रैंक के लिए एक शौक महसूस करते थे, फिर भी निक्स ने जोर देकर कहा कि फ्रैंक केवल तभी प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं जब उनका जेट पैक पूरी तरह से कार्यात्मक हो। इससे फ्रैंक निराश हो गया और उसने अपने पिता की सलाह पर विचार किया और उस पर समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। अप्रत्याशित रूप से एथेना ने फ्रैंक को टी अक्षर वाला एक अनूठा पिन दिया और गुप्त रूप से उसे और निक्स का पीछा करने का आग्रह किया। जब निक्स और उसके साथी एक मनोरंजन सवारी के लिए कतार में खड़े थे, फ्रैंक ने सावधानी पूर्वक घुसपैठ की और एक खाली नाव में सवार हो गए। इस यात्रा के दौरान एक लेजर ने फ्रैंक के पिन का पता लगाया, जिससे एक छिपा हुआ जाल दरवाजा शुरू हो गया जो उसे एक अस्पष्ट गलियारे में ले गया। एक आलीशान गाड़ी बन गई, लेकिन जैसे ही फ्रैंक ने प्रवेश किया, सभी दरवाजे बंद हो गए और गाड़ी कांपने लगी। फ्रैंक गिर गया और गाड़ी के रुकने तक अपने पैर फिर से जमाने के लिए संघर्ष करता रहा। जब दरवाजे फिर से खुल गए तो फ्रैंक ने खुद को एक धुंधले क्षेत्र में पाया। उन्होंने एथेना और निक्स वाली एक उड़ती हुई कार देखी। उनसे मिलने के लिए उत्सुक फ्रैंक को विशाल रोबोटों द्वारा बाधित किया गया था। वो रोबोट से बचने की कोशिश करते हुए प्लेटफॉर्म के चारों ओर दौड़ पड़ा। इस प्रक्रिया में अनजाने में उसके जेट पैक को नुकसान पहुंचा। एक परोपकारी रोबोट ने इसकी मरम्मत की और उसे वापस कर दिया। हालांकि गार्डों के आने से फ्रैंक को एक बार फिर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बार उन्होंने अपना फिक्स्ड जेट पैक पहना और धुंध के बीच से उड़ान भरी, अंततः टूमोवलैंड की खोज की, जो शानदार दिमागों से भरा एक हलचल वाला शहर है। जब उसका सामना एथेना से हुआ तो वो उसके बगल में उतरा और निक्स को दिखाया कि उसने जेट पैक को ठीक कर दिया है। निक्स उदासीन रहा, लेकिन एथेना ने कुछ महत्वपूर्ण खुलासा करने के लिए फ्रैंक का हाथ कोमलता से पकड़ लिया। 2015 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए केसी नाम की एक किशोरी ने अपने पिता को वहां अपनी नौकरी खोने से रोकने की उसकी इच्छा से प्रेरित होकर नासा की सुविधा में तोड़फोड़ करने वाली मशीनों पर अपनी नजरें जमा ली। केसी से अनजान एथेना ने अपने कार्यों को देखा और बाद में केसी के साइकिल हेलमेट से अपना डीएनए प्राप्त किया, जिसे उसने फिर अपने विशेष पिन में शामिल किया। अगले दिन केसी के पिता को उसके कार्यों के बारे में एक फोन आया, लेकिन उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि नई मशीनें पेश की जा रही हैं और केसी से उसकी विघटनकारी गतिविधियों को बंद करने का आग्रह किया। शाम को केसी ने एक और प्रयास किया, लेकिन पुलिस इंतजार कर रही थी और उसे पकड़ लिया। इसके बाद किसी ने उसके लिए जमानत पोस्ट की और उसने अपने सामान के बीच पिन की खोज की। उसे छूने पर उसने पाया कि वह खुद को एक अलग स्थान पर ले गई है। इस क्षेत्र को पार करने के उसके प्रयास शुरू में व्यर्थ थे, लेकिन वह गम रैपर का उपयोग करके अपने कनेक्शन को स्थिर करने में कामयाब रही। घर लौटने पर केसी के पिता ने उसे उसके कार्यों के लिए फटकार लगाई, जिससे वह उसे पिन को छूने के लिए प्रेरित किया। हालांकि कुछ नहीं हुआ। एक बार जब वह सो गया तो केसी ने पिन को विनियोजित किया और खुद को फिर से वैकल्पिक क्षेत्र में पाया, हालांकि उसके आसपास नेविगेट करने में कठिनाई हुई। उसके पिता जाग गए, जिससे वह छिप गई और एक अलग स्थान का प्रयास करने पर विचार किया। वह एक मैदान में गई और टुमोरोलैंड तक पहुंचने के लिए पिन की शक्ति का उपयोग किया। पहुंचने पर उसने पिन पर एक टाइमर देखा और महसूस किया कि वह दूसरों के लिए अदृश्य बनी हुई है। ट्रेन से बाहर निकलते ही उनका सामना एक अलग डिब्बे में प्रमुख वैज्ञानिकों से हुआ। उनका पीछा करने का उनका प्रयास पानी की अचानक उपस्थिति से बाधित हो गया, जो पिन के घटते टाइमर का एक परिणाम था। पानी की बाधा को पार करने के बावजूद केसी ने अंततः खुद को एक दलदल में पाया। घर लौटकर उसने पिन पर शोध करने में अपने भाई की सहायता ली। एथेना बाद में उनके आवास पर पहुंची और केसी ने एक दुकान पर जाने के लिए एक विज्ञापन का जवाब दिया। मालिकों ने पिन खरीदने की इच्छा व्यक्त की और इसकी उत्पत्ति के बारे में पूछताछ की। जब केसी ने मना कर दिया तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और हथियार लहराए। एथेना ने हस्तक्षेप किया और एक टकराव हुआ, जिससे पता चला कि दुकानदार वास्तव में रोबोट थे। एथेना ने दुकान में अफरातफरी मचने से कुछ क्षण पहले ही केसी को दुकान से सफलतापूर्वक निकाल लिया। उन्होंने एक वाहन की कमान संभाली और घटनास्थल से भाग गए। केसी ने एथेना से पूछताछ करने के अवसर का लाभ उठाया। ये पता चला कि यह एथेना ही थी जिसने उसे पिन दी थी। एक और शब्द बोलने से पहले एक अप्रत्याशित गड़बड़ी उसे बाधित कर देती है, जिससे केसी के भीतर डर पैदा हो जाता है। वह एक साथी रोबोट एथेना को घबराहट के साथ खुद को ठीक करते हुए देखती है। घबराहट की भावना के साथ केसी वाहन से बाहर निकलती है। एथेना उसका पीछा करने का प्रयास करती है, लेकिन जब वह सड़क पर उतरती है तो एक गुजरते ट्रक के साथ एक दुखद टक्कर का सामना करती है।
ट्रक का चालक एथेना की जांच करता है, केसी को वाहन को जब्त करने और उसे भागने का अवसर देता है। आश्चर्यजनक रूप से एथेना सुरक्षित निकलती है और चोरी किए गए ट्रक का लगातार पीछा करती है। वह चतुराई से खिड़की से वाहन में घुसपैठ करती है, चाबियों की कमान संभालती है और दरवाजे को बंद कर देती है। केसी अपना अलार्म बजाती है, एथेना को चुप रहने पर जोर देने के लिए प्रेरित करती है क्योंकि वे तत्काल टुमरोलैंड की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही कानून प्रवर्तन एक विस्फोटित दुकान पर एकत्र होता है, एक जले हुए रोबोट के सिर के अवशेषों की खोज करता है। डेव नामक एक रहस्यमय व्यक्ति एक गुप्त एजेंसी से संबद्ध होने का दावा करता है और बेरहमी से पुलिस अधिकारियों को भेज देता है। वह दावा करता है कि उन्होंने लड़की का पता लगा लिया है और निक्स नाम के किसी व्यक्ति को सूचित करने की आवश्यकता है। केसी और एथेना टुमरोलैंड के भीतर सहायता की खोज में न्यूयॉर्क जा रहे हैं। केसी समान पिन रखने वाले अन्य लोगों के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन प्रतिक्रिया देने की एथेना की क्षमता लड़खड़ा जाती है और वह नीचे आ जाती है। अगले दिन एथेना गाड़ी चलाती है और उनके गंतव्य का पता फ्रैंक नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलने से चलता है। जैसे ही केसी सोती है, एथेना एक साथ अपने सकारात्मक अनुभवों के बारे में याद करती है। इसके बाद केसी जाग जाता है और उसे अचानक ग्रामीण इलाकों के बीच ट्रक से निकाल दिया जाता है। एथेना उसके बिना चली जाती है, जिससे केसी के पास पास के घर में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। उसका दृष्टिकोण एक नकली कुत्ते द्वारा पीछा करने के लिए उकसाता है। दरवाजा खटखटाते हुए वह अपना पिन दिखाती है और टुमरोलैंड के प्रवेश द्वार का अनुरोध करती है। हवा का एक धमाका उसे मना कर देता है और एथेना की अनुपस्थिति से परेशान एक बुजुर्ग फ्रैंक साकार हो जाता है। वह निराशाजनक रूप से बताता है कि टुमरोलैंड घर के अंदर पीछे हटने से पहले एक मनगढ़ंत कहानी है। हार मानने से इनकार करते हुए केसी बारिश में बाहर रहता है और अंततः एक जुताई ट्रक में आग लगा देता है। जब फ्रैंक आग की लपटों को बुझाने के लिए बाहर निकलता है, तो केसी अंदर घुस जाता है और दरवाजा सुरक्षित कर लेता है। फ्रैंक को जबरन प्रवेश करने का प्रयास करते हुए हवा के झोंके ने उसे विफल कर दिया। केसी घर की खोज शुरू करता है, विचित्र आविष्कारों की एक श्रृंखला पर ठोकर खाता है। वह एक युवा फ्रैंक और एथेना की विशेषता वाली रिकॉर्डिंग पर ठोकर खाती है। एक अन्य कक्ष में उसे स्क्रीन और एक उल्टी गिनती टाइमर मिलता है। सीढ़ियों के नीचे एक छिपा हुआ मार्ग खुलता है और फ्रैंक फिर से दिखाई देता है। केसी उसे जवाब देने के लिए मनाता है। टुमरोलैंड से फ्रैंक के निष्कासन को उल्टी गिनती टाइमर के निर्माण का परिणाम बताया गया है। वह केसी के पूर्व निर्धारित निधन का खुलासा करने की पेशकश करता है, लेकिन वह उनकी नियति बनाने के महत्व पर जोर देते हुए मना कर देती है। यह निर्णय टाइमर प्रतिशत में गिरावट को प्रेरित करता है। डीव और रोबोटिक एजेंटों का एक दल आता है। फ्रैंक मेटल ब्लाइंड्स को सक्रिय करता है और सरल जाल का उपयोग करके रोबोटों को फंसाता है। वे बैठक कक्ष में पीछे हट जाते हैं और एक अन्य रोबोट का सामना करते हैं, जिसे किसी एक पोर्टल डिवाइस में फंसाता है। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वे जाल की भूल भुलैया में अधिक रोबोटों को फंसाते हैं। डेव उन्हें पकड़ लेता है और फ्रैंक को बंदूक से धमकी देता है। केसी एक बल्ले का पता लगाता है और डेव को वश में कर लेता है। फ्रैंक और केसी एक संशोधित बाथटब कैप्सूल पर चढ़कर एक साहसी पलायन करते हैं, जिसे वे जंगल में तैरने से पहले एक झील में छोड़ देते हैं। फ्रैंक के पास एक छिपी हुई साइकिल है, लेकिन वो शुरू करने से इनकार कर देती है। एथेना उन्हें वापस लाने के लिए एक ट्रक में आती है, जिससे फ्रैंक और एथेना के बीच गर्मागर्म बहस शुरू हो जाती है। ये पता चला है कि सभी पिनों को मिटाने का इरादा था और एथेना ने अतिरिक्त व्यक्तियों की भर्ती के लिए कुछ को बनाए रखा। फ्रैंक युवाओं की बढ़ती भागीदारी से नाराज होता है और एथेना के धोखे का खुलासा करता है। जब उससे अत्यधिक पूछताछ की जाती है तो वो वास्तव में चुप नहीं रहती है, वो केवल पूछताछ की अवहेलना करती है। फ्रैंक को संदेह है कि एथेना लोगों को आकर्षित करने के लिए झूठी भावनाओं का नाटक करती है और फिर बाद में उन्हें छोड़ देती है। इससे एथेना को गहरा दुख होता है, लेकिन वो तुरंत इसे संबोधित नहीं करती है। इसके बजाय वो उन्हें एक स्थानीय स्टेशन पर ले जाती है, जहां फ्रैंक ने गुप्त रूप से एक छिपा हुआ नेटवर्क स्थापित किया है जो उसके घर से जुड़ता है। इस स्टेशन पर एक अनूठा कैप्सूल उनका इंतजार कर रहा है। आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण दान करने के बाद वे एक प्रणाली को सक्रिय करते हैं जो उन्हें दूसरे स्थान पर ले जाती है। उनके गंतव्य पर पहुंचने पर केसी को पता चलता है कि वे एफिल टॉवर के ऊपर हैं। एक गार्ड पास में है, लेकिन फ्रैंक के पास अपने बैग में एक चतुर उपकरण है जो केसी को एक कोमल टैप से गार्ड को अक्षम करने में सक्षम बनाता है। वे प्रसिद्ध आविष्कारकों को प्रदर्शित करने वाले एक कमरे में प्रवेश करते हैं। फ्रैंक बताते हैं कि एफिल, वर्ने, टेस्ला और एडिसन ने एक और दुनिया तक पहुंचने के लिए एक एंटीना के रूप में एफिल टॉवर का उपयोग करके टुमरोलैंड की शुरुआत की। हमेशा एक गुप्त प्रवेश द्वार के बारे में अफवाहें फैली हैं और खोज करने के बाद फ्रैंक इसे सक्रिय कर देता है।
इसके कारण एफिल टॉवर दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिससे एक रॉकेट का पता चलता है। तीनों जल्दबाजी में अंदर जाते हैं क्योंकि और रोबोट उन्हें पकड़ने के लिए आते हैं। रॉकेट का टेक ऑफ अपनी ऊर्जा से रोबोटों को पीछे हटा देता है। कुछ समय बाद रॉकेट वापस आता है, एक पोर्टल बनाता है क्योंकि यह तेज गति से गिरता है। कुछ समय बाद वे खुद को टुमरोवलैंड में पाते हैं। अधिकारियों ने उनके उतरने को देखा और उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए फ्रैंक कैथेना को उसके अंदर एक विशेष बम छिपाने का निर्देश देता है। पहला व्यक्ति जिसका वे सामना करते हैं वह है निक्स, शहर का गवर्नर, जो शुरू में उन्हें पकड़ने का इरादा रखता है। फ्रैंक और एथेना स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रतिशत में हेरफेर करने की केसी की क्षमता का खुलासा करके उसे अन्यथा मनाने का प्रबंधन करते हैं। यह निक्स को आश्चर्यचकित करता है और वह उन्हें मुख्यालय में ले जाता है, जहां फ्रैंक का खतरनाक आविष्कार एक टैचियन मशीन संग्रहित है। लिफ्ट की सवारी करते समय किसी भविष्य की झलकियों को दर्शाने वाले होलोग्राम का अवलोकन करता है, जो प्रकाश की तुलना में तेजी से चलने वाले कण का उपयोग करके मशीन द्वारा बनाए गए हैं। मशीन के मूल में फ्रैंक केसी को इसका उपयोग करने के बारे में शिक्षित करता है, जिससे वह मानव इतिहास के किसी भी बिंदु को देख सकती है। केसी तब चकित हो जाती है जब वह कुछ सुबह अपने घर में खुद को देखती है। फ्रैंक बताते हैं कि मशीन भविष्य में भी देख सकती है। केसी इतिहास के माध्यम से गति करती है जब तक कि वह एक परेशान करने वाली भविष्यवाणी का खुलासा नहीं करती है। दुनिया 58 दिनों में समाप्त हो जाएगी। पृथ्वी पर लोगों को चेतावनी देने में उनकी विफलता से केसी उलझन में है। निक्स बताता है कि वह चिंतित नहीं है क्योंकि पृथ्वी वो दुनिया है जो समाप्त हो जाएगी, टुमोवलैंड नहीं। उन्हें डर है कि नवागंतुक टुमोवलैंड में वही समस्याएं लाएंगे जो उन्होंने पृथ्वी पर की थीं। केसी ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसका दृढ़ संकल्प स्क्रीन पर एक क्षणिक चमक का कारण बनता है, जिससे एक अधिक सकारात्मक दुनिया का पता चलता है। फ्रैंक इस उम्मीद को उजागर करने का प्रयास करता है, लेकिन निक्स उन्हें अक्षम कर देता है। बाद में फ्रैंक होश में आ जाता है और एथेना को उन्हें सूचित करते हुए पाता है कि उन्हें एक बार फिर निर्वासित कर दिया जाएगा। केसी निराश है, यह महसूस करते हुए कि उनका पूरा साहस व्यर्थ था। अपनी हताशा में वो उन पर छल का आरोप लगाती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, केसी को अचानक एक रहस्योद्घाटन होता है। फ्रैंक अपने घर पर मशीन का संकेत प्रसारित कर रहा है, पृथ्वी पर कयामत के इन विचारों का प्रचार कर रहा है। यह एक आत्म परिपूर्ण भविष्यवाणी है और यदि केसी का आशावाद इसे बदल सकता है तो संकेत को बंद करने से लोगों की आशा बहाल हो सकती है। गार्ड एक पोर्टल के माध्यम से उन्हें टुमोवलैंड से बाहर ले जाने के लिए पहुंचते हैं। केसी निक्स को अपनी खोज के बारे में समझाने का प्रयास करती है और उससे मशीन को निष्क्रिय करने का आग्रह करती है, लेकिन निक्स का दावा है कि कोई बंद स्विच नहीं है। फ्रैंक को सच्चाई का एहसास होता है, निक्स जानबूझकर इन विचारों को लोगों के दिमाग में डाल रहा है। निक्स आने वाली आपदा के बारे में सरकार को चेतावनी देने में पिछली विफलताओं की प्रतिक्रिया के रूप में इसे उचित ठहराते हैं। उन्होंने लोगों को अपने तरीके बदलने के लिए मजबूर करने के लिए सीधे लोगों के दिमाग में चेतावनी भेजने का फैसला किया। अफसोस की बात है कि मानवता ने दुनिया के अंत की व्याख्या एक बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने के बजाय अपरिहार्य के रूप में की। फ्रैंक निक्स के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने का नाटक करता है और गुप्त रूप से मशीन प्लेटफॉर्म को सक्रिय करते हुए अपना हाथ हिलाता है। एथेना और केसी ने गार्डों को वश में कर लिया, जबकि फ्रैंक निक्स का सामना करता है, जो लड़कियों पर हमला करने के लिए दो रोबोटों को सक्रिय करता है। फ्रैंक एथेना से बम का उपयोग करने के लिए कहता है, लेकिन रोबोट उसे पकड़ लेते हैं। एथेना रोबोटों से लड़ते हुए केसी को बम देती है और केसी मंच की ओर भागती है, जो पोर्टल के दूसरी तरफ फ्रैंक और निक्स के बीच संघर्ष के कारण अनियंत्रित रूप से आगे बढ़ने लगता है। एथेना एक रोबोट पर नियंत्रण प्राप्त करती है और इसका उपयोग दूसरे को पोर्टल के माध्यम से धक्का देने के लिए करती है, जिससे यह निक्स पर हमला करता है। केसी भविष्य में एक फ्लैश देखकर बम को सक्रिय करने का प्रबंधन करता है। जैसे ही वह इसे फेंकने वाली है, निक्स कंगन पर फिर से नियंत्रण कर लेता है और मंच को नीचे खींच लेता है। एथेना अपने रोबोट के साथ मंच को पकड़ती है, फिर नियंत्रण कक्ष का उपयोग करके पोर्टल को बंद कर देती है, दूसरे रोबोट को नष्ट कर देती है और फ्रैंक और निक्स को बाहर छोड़ देती है। केसी बम का पता लगाता है, जो विस्फोट होने वाला है। एथेना के पास पोर्टल को फिर से खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब लोग अंदर लौटते हैं तो वे बम को पोर्टल के माध्यम से फेंक देते हैं, जहां यह उनसे सुरक्षित रूप से दूर फट जाता है। पोर्टल टूट जाता है, निक्स को पकड़ लेता है। हालांकि निक्स फ्रैंक को मारने के इरादे से पास की बंदूक तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। एथेना फ्रैंक की आसन्न मृत्यु को समझती है और महसूस करती है कि यह भविष्य की एक झलक है। वो खुद को फ्रैंक और गोली के बीच रखती है।
किसी निक से बंदूक लेता है और फ्रैंक एथेना को एक मरम्मत की दुकान पर ले जाने का प्रयास करता है। हालांकि एथेना उसे रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है। अपनी मृत्यु से पहले उसके पास फ्रैंक को बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। एथेना ने एक साथ उनके समय की रिकॉर्डिंग की एक श्रृंखला बजाई जिसमें खुलासा किया गया कि युवा फ्रैंक को उस पर क्रश था, लेकिन जब उसे पता चला कि वह एक मशीन थी तो वह आहत हो गया था। एथेना ने वॉयस डायरी रखी थी जिसमें बताया गया था कि कैसे फ्रैंक ने उसे उन भावनाओं को महसूस कराया जो रोबोट को अनुभव नहीं करनी चाहिए। फ्रैंक को ये जानकर खुशी होती है कि एथेना ने भी उसकी देखभाल की और कभी भी उस पर विश्वास करना बंद नहीं किया। एथेना का शरीर आत्मविनाश करने वाला है और वो फ्रैंक से मशीन को रोकने के लिए विस्फोट का उपयोग करने के लिए कहती है। फ्रैंक एथेना को उठाने के लिए एक जेट पैक का उपयोग करता है और उनकी विदाई की बोली लगाने के बाद एथेना को मशीन में गिरा दिया जाता है। पूरा ढांचा फट जाता है और मलबा निक्स पर गिर जाता है जिससे उसका जीवन समाप्त हो जाता है। टुमारोलैंड अपनी शक्ति खो देता है और फ्रैंक नदी में सुरक्षित रूप से उतरने के लिए जेट पैक को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। केसी उसकी जाँच करता है और वे अपने अगले कदमों पर चर्चा करते हैं। भविष्य की झलकियों से प्रेरित होकर फ्रैंक पोर्टल को ठीक करता है ताकि केसी अपने परिवार के साथ फिर से मिल सके। साथ में वे पिन प्रोग्राम को फिर से शुरू करने पर काम करना शुरू करते हैं। वे एथेना जैसे रोबोट बनाते हैं जो दुनिया भर में यात्रा करने के लिए एक पोर्टल का उपयोग करते हैं और उज्ज्वल विचारों वाले व्यक्तियों को पिन वितरित करते हैं जो पृथ्वी के बेहतर भविष्य में योगदान कर सकते हैं।